नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्रोशिये से इस तरह का स्कार्फ बनाना बताऊंगी और इस स्कार्फ को मैंने 40 चेन के ऊपर बनाया हुआ है। इस डिजाइन को 40 चेन मैंने लिया है और उसके ऊपर मैंने 1 रो बनाई है डबल क्रोशिये से और फिर मैंने ये वाला डिजाइन सेट किया हुआ है और नीचे मैंने ये लटकन बना के लगाया हुआ है। और जो इस स्कार्फ की जो हमारे पास चौड़ाई आई है वो 9 इंच के नियर आई है और जो मेरी स्कार्फ की लंबाई है वो अराउंड 75 इंच आई है। तो आप इसको ज्यादा या फिर कम भी रख सकते हो। और ये बनाने में स्कार्फ बहुत आसान है और इसका डिजाइन भी बहुत सुंदर है, तो आप इसे बना सकते हो। चलिए हम इसे आज बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये यहाँ पे एक डबल क्रोशिये की लाइन बनाई हुई है और मैंने यहाँ पे 16 डबल क्रोशिये लिए हुए हैं। तो मैं सिर्फ आपको बताने के लिए ये बना रही हूँ डिजाइन, इसीलिए मैंने यहाँ पे कम चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया है। तो जैसे कि मैंने ये वाला स्कार्फ बनाया हुआ है तो यहाँ पे मैंने 40 चेन लेके फिर उसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाया, तो मेरे पास ये 40 डबल क्रोशिये हैं और उसके ऊपर मैंने ये डिजाइन बनाया है। तो आप इसी हिसाब से बना सकते हो। तो अभी हमने यहाँ पे मैंने 16 डबल क्रोशिये बनाए हुए हैं, तो इसके ऊपर हम 3 चेन लेंगे और इस डिजाइन की हमारे पास 2 रो आएंगी और बाद में वो रो रिपीट होती जाएंगी। तो अभी हमने 3 चेन लिया, 1 और 2 हम यहाँ पे डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और जो हमारे पास 3rd डबल क्रोशिया है वहां पे हमने 3 बार एक ही चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमने एक ही चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाया और फिर से 1 और 2 हम यहाँ पे 1 और 2 चेन स्किप करेंगे और 3rd में हम फिर से बनाएंगे। तो इसी तरह से हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे, फिर से 1 और 2 हम स्किप करेंगे और 3rd चेन में हमने बनाना है। एक और दो हमने फिर से स्किप किया और 3rd में हमने फिर से बनाया। अभी हम लास्ट में आ गए हैं तो हम यहाँ पे 1 और 2 चेन छोड़ देंगे और जो हमारे पास लास्ट में ये 3rd चेन होगा वहां पे हमने 1 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस रो में हमारे पास इस तरफ भी लूप आया है और लास्ट में भी हमारे पास लूप आया है, तो जो हमारी नेक्स्ट रो होगी वहां पे हमारे पास लूप नहीं आएगा दोनों साइड पे। अभी हमारे पास 1, 2, 3 और 4 ये पत्तियां आई हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पे हम बनाएंगे, अभी हमने यहां से स्टार्ट करना है, जो हमारे पास लूप आया है वहां पे हमने 3 बार डबल क्रोशिया करना है। तो एक तो हमने 3 चेन लिया उसको हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे और 2 टाइम हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया। अभी हमने यहाँ पे बीच में जो हमारे पास लूप है वहां पे हमने बनाना है, तो हम हर एक लूप में बनाएंगे 3-3 बार। इसी प्रकार से हमने इस लूप में और फिर यहाँ पे और फिर लास्ट में, लास्ट में भी हमने इस लूप में 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए मेरी सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट रो में हमारे पास 1, 2, 3 और 4 पत्तियां बनी थी, अभी हमारे पास ये बढ़ गई हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5 आई हैं। तो अभी हमारी ये वाली रो फिर से यहाँ पे रिपीट होगी, हम 3 चेन लेंगे और यहाँ पे बनाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे लूप बन जाएगा और इसी तरह से ये वाली रो हमारी यहाँ आएगी और फिर इसके आगे ये रो आएगी, तो ये रिपीट होता जाएगा और ये बहुत आसान है। जिस तरह से हमारे स्कार्फ में आप देख सकते हो यहाँ पे एक लूप बन रहा है, फिर पत्ती आ रही है, फिर लूप और फिर पत्ती, तो इसी प्रकार से साइड पे बनता हुआ, दोनों साइड पे इसी प्रकार से बनता हुआ जाएगा। तो ये स्कार्फ बनाने में आसान है, आप इसे बना सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप सभी का मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।